ये बाराबंकी जनपद के नगर पंचायत फतेहपुर में रात को 3 बजे ये हाशिम की एक 3 मंजिला इमारत थी जो एकाएक गिर पड़ी। जैसे ही सूचना मिली स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को और माननीय विधायक जी को, सभी लोगों ने अपने स्तर से तत्काल प्रयास किया और जो हमें तत्काल निकाल पाए 12 लोग तो तत्काल रेस्क्यू करके निकाला गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिसमें से 10 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया और 8 लोगों को उसमें से फिर KGMU भेजना पड़ा। 2 लोगों को वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर डेथ हो गई है। 2-3 लोगों के भी अंदर फंसे होने की सूचना मिल रही थी, उसी पर SDRF और NDRF की टीम को बुलाया गया जो अर्ली मॉर्निंग ही आ गई और लगातार प्रयासरत थी क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, काफ़ी अंदर है ये गली में, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और लोगों को सेविंग करते हुए निकालना था, लेकिन जल्दी ही वो उनको भी अंदर से निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है ये 3 मंजिला इमारत थी जिसके निचले हिस्से में इनके इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स काफ़ी बड़ी मात्रा में रखे गए थे। लोग बता रहे हैं करोड़ों की रुपए के सामान अंदर, यहाँ इस एरिया के काफ़ी होलसेल सप्लायर थे और उसमें बैटरी चार्जिंग वगैरह के काफ़ी बैटरी भी रखी जाती थी, रिपेयरिंग का काम भी होता था, बिक्री का काम भी होता था और ऊपर 2 हिस्सा रिहायशी था। अभी हम पहले कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू करके जो 3 लोग फंसे उनको और निकाल लिया जाए, इसके बाद हम डीप में जाके और जाँच करेंगे। सर, और कितने लोग अंदर फंसे हैं, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग इमारत थी? जैसा कि बताया आपको कि 3 लोग अंदर अभी हैं जिनके निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ये अभी जो जानकारी में की गई यहाँ आसपास तो मालूम चला है कि ये बिल्डिंग जो सबसे पुरानी 30 साल पुरानी बनी हुई थी वो नीचे की फर्स्ट फ्लोर ही था, ग्राउंड फ्लोर ही था, उसके बाद 2 फ्लोर और उस पर बन गया था। तो नींव को जो जानकारी मिली कमज़ोर बताया जा रहा है कि वो इतनी सशक्त नहीं थी कि उसके ऊपर 2 और मंजिल बनाई जा सके जो बनी। अब वो किन परिस्थितियों में गिरी है या नीचे जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल गुड्स के जो सामान थे उनमें कोई बात हुई है, ये पूरा मलबा ऊपर से हटाने के बाद और जाँच करने के बाद ही पता चला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।